हे गाइस, दिस इज रिव्यू डेस्टिनेशन एंड आई एम शिरीज। और आज के वीडियो में हम लोग हमारी सिविक को सर्विसिंग के लिए लेके जाने वाले हैं। सो, अभी सुबह के 10 बजे है और मैं अभी डॉकयार्ड लोड जाने वाला हूँ और थोड़ी फार बारिश है, तो आई होप कि मुझे मुंबई फ्लड्स अफेक्ट ना करे और मैं स्मूथली चला जाऊँ डॉकयार्ड रोड तक। सो, चलो अभी देखते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग आ गए हैं डॉकयार्ड रोड के सर्विस सेंटर में। अभी इधर के सर्विस एग्जीक्यूटिव से हम लोग बात करेंगे और फिर मैं आपको अपडेट बताता हूँ। सो गाइस, हमारा सारा पेपर वर्क हो चुका है और हम लोग ने हमारी गाड़ी सबमिट कर दी है। सो गाइस, अभी हमारा OBD स्कैनर से गाड़ी की स्कैनिंग कंप्लीट हो गई है और थैंकफुली हमारी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। सो, अभी मेजर सर्विसिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। सो गाइस, करंटली हमारी गाड़ी का व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट चालू है। सो गाइज, अभी हमारी गाड़ी की बेसिक सर्विसिंग कंप्लीट हो गई है। कूलेंट चेंज हो गया है, ऑयल चेंज हो गया है, पर वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि शोरूम में वो सब रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। सो, अभी डायरेक्ट मैं आपको ये क्लिप दिखा रहा हूँ। सो, अभी एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं चेक करने के लिए कि सब काम बराबर हुआ है कि नहीं। सो गाइज, हमारा मैकेनिकल वर्क परफेक्ट हो गया है, तो इसलिए अभी गाड़ी को हम लोग वॉशिंग को भेज रहे हैं और वॉशिंग के बाद गाड़ी की पॉलिशिंग होगी और फिर हमारा पूरा सर्विसिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। सो, अभी वॉशिंग कंप्लीट हो गई है गाड़ी की। अभी इसको अच्छे से ड्राई करके हम लोग फर्स्ट फ्लोर लेके जाएंगे। सो गाइज, हम लोग ने अभी गाड़ी को लिफ्ट पे चढ़ा दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो गाइज, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हमारी गाड़ी की पॉलिशिंग करने के लिए आए हैं। सो, होंडा के शोरूम में फर्स्ट फ्लोर पे पॉलिशिंग और ग्राउंड फ्लोर पे मैकेनिकल वर्क्स का सर्विसेज है और हमारी गाड़ी उधर पीछे खड़ी है। सो, यहाँ आप देख सकते हैं कि और एक सिविक है हमारी जैसी ही। यहाँ मैंने ये फर्स्ट सिविक देखी है मेरे अलावा, और उधर हमारी वाली सिविक खड़ी है। सो, अभी देखते हैं पॉलिशिंग कैसे होती है। सो, गाइस, फिलहाल अभी थोड़े बाकी गाड़ियों का काम चालू है, तो हमारी गाड़ी इधर वेटिंग में खड़ी रहेगी। सो, अभी मैं डायरेक्ट आपको आउटपुट ही दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बनता जा रहा है, तो हमें डायरेक्ट आउटपुट ही देखते हैं। सो गाइज, अभी ऑलमोस्ट 7 o'clock हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं उल्टा दिख रहा है। ऑलमोस्ट 7 o'clock हो चुके हैं और हमारी गाड़ी का काम पूरा हो चुका है, तो अभी आपको मैं गाड़ी दिखाता हूँ। सो, ये है हमारी कार। अभी एकदम अच्छे से पॉलिश वगैरह सब कुछ हो गया है, सर्विसिंग भी हो गया है। अभी बस इसका बिलिंग करना है, फिर हम लोग घर जाएंगे और फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि रिजल्ट कैसा आया है गाड़ी का, और फिर देखिए पॉलिशिंग का रिजल्ट कैसा आया। देखिए तो आए अच्छा, स्मूथ लग रहा है अभी। सो गाइज, अभी थोड़ा इधर लाइटिंग किया है, पहले थोड़े लाइट्स बंद थे, तो आपको अभी थोड़ा डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितनी शाइनी दिख रही है गाड़ी, एकदम शाइनी वाइट। आप ये 5th generation होंडा सिटी देख सकते हैं और ये अपनी 8th generation सिविक, दोनों के वाइट कलर में आपको डिफरेंस समझेगा वाइट कलर की वजह से, और मतलब अभी पॉलिश करने के बाद। सो, अभी कल डायरेक्ट कंटिन्यू करते हैं जब सुबह होगी और हम गाड़ी थोड़ी चला लेंगे। हे गाइस, तो आज नेक्स्ट डे है और थैंकफुली आज एकदम सनी डे है, बिल्कुल भी बारिश नहीं है मुंबई में। नहीं तो अभी 5-6 दिन से तो बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो ये बहुत गाड़ी गंदी भी हो रही थी और क्लाइमेट भी इतना सनी नहीं था। सो, अभी अच्छा है कि क्लाइमेट सनी हो गया है, तो आपको मैं गाड़ी का रिजल्ट दिखा सकता हूँ। एकदम अच्छा आया है पॉलिशिंग का और सर्विसिंग का भी काफ़ी अच्छा है। सो, अभी गाड़ी देखते हैं। तो ऐसी कुछ देख सकते हैं आप गाड़ी को, और आउटपुट जो है पॉलिशिंग वगैरह का काफ़ी अच्छा है, और इंटीरियर क्लीनिंग भी किया है गाड़ी का। सो, इंटीरियर तो काफ़ी अच्छा हुआ है। पहला ये जैसे आपको मालूम है, ये गाड़ी में बेज इंटीरियर है, तो बेज इंटीरियर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, और मेरा बेज इंटीरियर थोड़ा सा हो गया था, काला काला हो गया था। अभी ये लोगों ने क्लीनिंग करने के बाद वापस एकदम फ्रेश ब्राइट कलर का हो गया, एकदम ब्राइट। ये सब डोर पैड्स वगैरह भी उन लोगों ने फोम से क्लीन किया है, तो अंदर से भी क्लीनिंग एकदम A1 हुई है, मैं काफ़ी खुश हूँ। और बैक सीट का भी वैसे ही है रिस्पॉन्स, और गाड़ी से एकदम अच्छा स्मेल भी आ रहा है। ऐसे कोई बैड ओडर तो नहीं थी गाड़ी में, बट अभी एकदम एकदम फ्रेश स्मेल आ रहा है गाड़ी से, तो मुझे मज़ा भी आ रहा है चलाने के लिए। और पॉलिशिंग भी किया है, तो पेंट काफ़ी स्मूथ हो गया है अभी। और कल मैं आया था तो काफ़ी रोड पे बारिश वगैरह थी, तो रात को वापस गाड़ी पूरी गंदी हो चुकी थी पूरी, तो आज सुबह वॉचमैन ने धोने के बाद वापस एकदम शाइनी हो गई है। तो
तो रिस्पांस तो एकदम अच्छा है। और मैं आपको अभी इंजन भी दिखाता हूँ, इंजन पे भी वो लोग ने एकदम बहुत अच्छे से क्लीन किया है, वो तो देखने लायक है। कल मैं रात को आया था तो मैंने इंजन भी देखा था, तो इंजन भी देख के मैं काफ़ी खुश हो गया। तो आपको मैं इंजन भी दिखाता हूँ अभी। सो गाइज, ऐसा कुछ है हमारा इंजन भी, एकदम साफ सुथरा जेट ब्लैक, जिसकी आप देख सकते हैं। ये गाड़ी जब से मैंने ली है ना, इसका इंजन भी ऐसा ही है, एकदम क्लीन और एकदम अमेजिंग। अभी मेरी इनोवा भी है, वरना भी है, और मेरे बाजू की नेबर की भी है, वो सबका मैंने गाड़ियाँ देखा है, उनका इंजन हर टाइम गंदा रहता है, फुल मिट्टी से भरा हुआ रहता है। पर ये गाड़ी होपफुली जब से मैंने खरीदी है तब से ऐसे ही कंडीशन में है, मतलब मैं इसको टाइम टू टाइम क्लीन करवाता रहता हूँ अंदर से, तो एकदम साफ देख सकते, एकदम जेट ब्लैक है। और इधर भी वो लोगों ने पॉलिशिंग लगा के रखा है फुल, तो एकदम अच्छा दिख रहा है, एकदम शाइनी शाइनी। पाइप्स वगैरह भी आप देख सकते हैं इसमें, सब A1 कंडीशन में। और हमारे सर्विसिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है, और मैंने सर्विसिंग पैकेज लिया था होंडा का, तो हर गाड़ी के सर्विस पैकेज की कॉस्ट अलग अलग होती है, तो मैं आपको वो अभी एक्सप्लेन करूँगा। सो फिलहाल हम होंडा सिविक के बारे में बात करते हैं। तो होंडा सिविक का जो सर्विस पैकेज है वो 18,500 का है, और उसमें आपको 4 सर्विसिंग फ्री मिलती है, और कंज्यूमेबल्स और लेबर वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। बस कोई आपका मेजर पार्ट गया, जैसे सस्पेंशन गया या कुछ भी अलग पार्ट गया, तो उसकी कॉस्ट ऐड होती है, पर जो नॉर्मल ऑयल है, एयर फिल्टर है, वो सब इंक्लूडेड है, और लेबर चार्जेस भी। सो अभी हम बात करते हैं हमारा कॉस्टिंग टोटल कितना हुआ है। सो गाइस, ये हमारा सर्विस पैकेज का बुकलेट है, तो इसका फर्स्ट पेज मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसमें सारे मेरे एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा है, एड्रेस और फ़ोन नंबर। सो अभी डायरेक्ट ये सर्विस पैकेज क्या कवर करता है वो देखते हैं। तो ये सब अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग सर्विसिंग का ये शेड्यूल है, और ये होंडा सिविक का है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो आपको ये पढ़ना रहेगा, तो आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। सो ये जो भी चीज़ें रहती है वो सब चेंज होती है अलग अलग इंटरवल्स पे, थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग, फिर इंजन ट्यूनिंग, ये सब कुछ होता है। इसमें 2 मेजर और 2 माइनर सर्विस रहते हैं, और इसमें 2 बार ऑयल चेंज होता है आपका, और इसमें पॉलिशिंग और वॉशिंग और इंटीरियर क्लीनिंग भी ये होती है इंक्लूडेड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपने मेरी गाड़ी का इंटीरियर अभी क्लीनिंग है, तो एकदम साफ हो गया है। और ये कूपन्स हैं 1st to 4th सर्विसिंग के, और ये भी और इनके मॉडल्स के सर्विस ब्रेकअप है। तो भी आपको मैं आपका बिल का स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ स्क्रीन पे, और उसमें भी बताता हूँ कि क्या क्या हमारा इंक्लूड हुआ है और हमारा कितना बिल हुआ है। सो गाइस, आपकी स्क्रीन पे बिल आ रहेंगे, और हमारे पास 2 बिल है, फर्स्ट है सर्विसिंग का और दूसरा है पार्ट रिप्लेसमेंट का। सो जो सर्विस पैकेज हम लोगों ने लिया है 18,500 का, उसमें सर्विसिंग का सब कुछ कंज्यूमेबल्स और सर्विस चार्ज है वो इंक्लूडेड है, कोई भी कंज्यूमेबल इंक्लूडेड नहीं है। सो हमारी गाड़ी का एक ऑयल फिलर जो कैप रहता है इंजन के ऊपर, वो टूट गया था, तो वो हमारे पास कुछ 450 का पड़ा है हमको, तो उसका एक सेपरेट बिल अभी स्क्रीन पे आ रहा रहेगा, और एक है सर्विसिंग का बिल। सो अभी सर्विसिंग के बिल के बारे में बात करते हैं। अभी मेरे पास हाथ में बिल है, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि क्या क्या हुआ है, और ये जितना भी कुछ काम हुआ है गाड़ी में वो सारा हमारे सर्विसिंग पैकेज में इंक्लूडेड है, विथ अलाइनमेंट, बैलेंसिंग और पॉलिशिंग सब कुछ। सो ऑयल रिप्लेस हुआ है गाड़ी का, फिर ऑयल फिल्टर रिप्लेस हुआ है, टायर रोटेशन हुआ है, फिर एयर फिल्टर भी चेंज हुआ है, फिर ट्रांसमिशन ऑयल चेंज हुआ है, और बहुत कुछ चेंज हुआ है जिसकी आप अभी फ़ोटो में देख सकते हैं। सो ये सब चीज़ें सर्विसिंग पैकेज में इंक्लूडेड है, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर एक गाड़ी का सर्विसिंग पैकेज अलग अलग है, तो जैसे सिविक का 18,000 का है, वैसे ही अमेज और जो डीजल गाड़ियाँ हैं होंडा की, उनका 32,000 और अपवर्ड्स जाता है। तो इसे अलग अलग गाड़ी का अलग अलग सर्विसिंग पैकेज है। तो मुझे क्या सर्विसिंग पैकेज के बारे में लगता है, तो एक साल के अंदर आपको 4 सर्विसिंग मिल रहे हैं, वो भी होंडा की जितनी भी गाड़ियां हैं वो ऑलमोस्ट लाइक लग्जरी कार्स या प्रीमियम कार्स हैं, तो उन गाड़ियों के हिसाब से 4 सर्विसिंग के लिए 18,000 आपको जर पड़ रहा है सर्विसिंग कॉस्ट। तो मुझे वो लगता है कि ये काफ़ी रीज़नेबल और अच्छा ऑप्शन है। सो या, और अभी मैंने गाड़ी सर्विसिंग करा के चला भी ली है थोड़ी, 200-300 किलोमीटर, और रिस्पांस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। गाड़ी पहले भी काफ़ी स्मूथ थी और अभी अल्ट्रा स्मूथ हो गई है। सो सर्विस और रिस्पांस से मैं काफ़ी खुश हूँ। सो या,
थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दिस इज क्षितिज चंगा एंड आई होप टू सी माय नेक्स्ट वीडियो।